आपका क्वेश्चन है अ हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वॉट फॉर 10 आवर्स पर डे. टू इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग 80 वॉट ईच फॉर 12 आवर्स ईच डे. सिक्स इलेक्ट्रिक ट्यूब ऑफ रेटिंग 18 वॉट ईच फॉर 6 आवर्स ईच डे. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून इफ कॉस्ट पर यूनिट इज ₹3. तो जस्ट अब हम इसको समझते हैं इसने क्या बोला है. तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि हाउस होल्ड आइटम्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं हमारे. पहला है रेफ्रिजरेटर, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फैन, थर्ड इज इलेक्ट्रिक ट्यूब. तीन चीज है जो इसने इसमें कैलकुलेट किया है. तो अब ये देखो आपका रेफ्रिजरेटर का रेटिंग इज 400 वॉट. तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेफ्रिजरेटर 400 वॉट का रेटिंग है और कितने देर चल रहा है देखो फॉर 10 आवर्स. तो दैट मींस अगर एक घंटे में 400 वॉट का रेटिंग पावर है जिसका 10 आवर्स चल रहा है तो इनटू 10 दैट इज इक्वल टू वी कैन से इज 4000 वॉट कंज्यूम कर रहा है पर डे. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड देखो उसने क्या दिया है. टू इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग 80 वॉट ईच. तो एक का कितना है तो एक का इज 80 वॉट है ना. तो सेकंड इज योर फैन. तो अगर एक का 80 वॉट है तो दो का कितना हो जाएगा 160. तो वी कैन राइट इट एज इनटू 2 इज 160 फॉर 12 आवर्स. तो इनटू 12 ठीक है. तो ये देखो ये कितना हो गया 80 into 24 दैट इज इक्वल टू वी कैन से 0 32 3 carry 16 1920 वॉट्स. एक दिन में कंज्यूम कर रहा है आपके दो फैन. नेक्स्ट सिक्स इलेक्ट्रिक ट्यूब. तो वी विल राइट हियर सिक्स ट्यूब. एक ट्यूब का कितना रेटिंग दिया है 18 वॉट. तो 18 वॉट तो सिक्स का कितना हो जाएगा इंटू 6 और कितने देर चल रहा है देखो 6 आवर्स तो इंटू 6 आवर्स. ठीक है. तो ये देखो कैलकुलेट करो 6 8 48 4 carry 6 1 6 plus 4 is 10 into 6 again. So this is equal to we can say is 48 or yes 648 watt. तो ये पर डे का कंजप्शन है जो हम यूज कर रहे हैं घर के अंदर पर डे. ठीक है. लेकिन इसने क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड आउट द मंथ ऑफ द जून. तो फुल मंथ का निकालना है आपको. तो जून में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 30. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे पहले तीनों को ऐड कर लेते हैं इनटू 30. तो देखो कितना हो जाएगा हमारा 4000 नेक्स्ट इज 1920 नेक्स्ट इज 648 तो ये हो गया आपका 8 6 15 1 carry that means 6 6 5 6 8 per day का watts है into 30. This is for the month. तो ये हो गया 0 3 8 24 2 carry 3 6 18 plus 2 is 20 2 carry 3 5 15 plus 2 is 17 1 carry 3 6 18 1 is 19. तो इतने वॉट्स हो गए हमारे फुल मंथ के जून में. फिर देखो आगे इसने क्या बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल. तो बिल हमारा किस में आता है यूनिट में.
तो वन यूनिट इज इक्वल टू वी कैन से इज 1000 वॉट आवर और यू कैन से 1 किलो वॉट आवर। तो आपको इसको किलो वॉट आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया आपका, दिस इज योर वॉट आवर पर डे के हिसाब से जब कैलकुलेट किया तो वॉट आवर आ गया ना, क्योंकि सब एवरीवेयर वी हैव टेकन आवर्स। तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो 1, 2 and 3 दैट मींस 1, 2 and 3 तो यहां पर आ गया आपका। तो आपका यूनिट कितना हो गया, यूनिट इज 197.04 इज योर यूनिट। अब आपका कॉस्ट कितना होगा ₹3 के हिसाब से, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 197.04 × 3 दैट इज इक्वल टू वी कैन से 0.12 और यहां पर हो गया 21 टू कैरी 27 29 टू कैरी 35 591.12 rupees इज योर इलेक्ट्रिक बिल। तो इस तरह से आपको इसको निकालना।